जो एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th के सिलेबस में भी है और 12th के सिलेबस में भी है। फर्स्ट हम इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है रिटर्न बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जब किसी भी प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर हम लाइट को बाउंस कराएंगे, अगर वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिटर्न बैक सेम मीडियम में होगा, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम डिफाइन करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइक एक प्लेन मिरर हम लेते हैं, दिस इज द प्लेन मिरर। यहां से ओपेक होगा और दिस सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से एक लाइट हम इंसिडेंट करते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो, इस प्लेन के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट है, उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच की जो एंगल होगी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितनी एंगल पर लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं, उतनी ही एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच की जो एंगल हो गए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जितने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट, अगर ये सरफेस स्मूथ है लाइक प्लेन सरफेस है, तो जितने एंगल यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया, नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे, जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगा, नॉर्मल से उतनी ही एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम इसी में आ जाएं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अगर एंगल सेम है तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल। सेकंड हम देख रहे हैं, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक प्लेन है। तो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल All are in the same plane. And second, angle of incidence I, this is equal to angle of reflection. दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हमने रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन किया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर हम एक प्लेन मिरर, दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस प्लेन मिरर के साथ एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करें एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल।
तो इंसिडेंट रे या नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मिरर। Types of mirror. First, this is called plane mirror. Second, this is called concave mirror. And third is called convex mirror. अगर हम plane mirror को draw करें तो दिस इज द प्लेन। वन साइड ओपेक होगा और सेकेंड साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये प्लेन है तो इसमें कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। रेडियस अगर हम देखेंगे तो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। अगर इन्फिनिटी पर जाएगी तो अगर रेडियस इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब इसके फोकस भी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जितनी वन, अगर मिरर फॉर्मूला हम देखें तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज वन बाई एफ, वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो। इसका मतलब वन बाई वी माइनस ऑफ वन बाई यू मीन्स वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, लेकिन वर्चुअल इमेज बने। दिस इज द प्लेन मिरर। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब है वन साइड, दिस साइड ओपेक होगा एंड दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। If the inner is the reflecting, inner surface is reflecting, then this is the concave. Second, अगर हम convex mirror की बात करें, if the outer surface is reflecting, like this is the reflecting outward बोलना ज्यादा suitable है, outward surface is the reflecting, then this mirror is called convex mirror।